हरियाणा के पंचकूल साइबर थाना पुलिस ने 9,68,00,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। DCP पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस गैंग के द्वारा ठगे गए पैसे इंडिया से बाहर विदेश भेजे जाते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया है। DCP ने कहा कि इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। लोगों से ठगा गया पैसा बाहर भेजा जाता था और उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। DCP पंचकुला ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाकर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। शिकायतकर्ता से 9.68 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाकर साइबर ठगी की गई। यह गैंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को झांसा देता था और कुछ फर्जी लोगों से मैसेज करवाकर लोगों को विश्वास में लाता था। आरोपी मुश्ताफ और जतीन जिंदल निवासी पटियाला को गिरफ्तार किया है। जिंदल कमीशन पर काम करता था और मुश्ताफ बैंक डिटेल मुहैया करवाता था। इनके कनेक्शन बाहर विदेश में भी है, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। लोगों से ठगा गया पैसा बाहर भेजा जा रहा था। गैंग ने पूरे देश में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस गैंग के कुछ और सदस्यों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि जतीन जिंदल इस सारे क्राइम को ऑपरेट करता था। ऑल इंडिया डेटा से पता चला कि इन आरोपियों को कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। 1 करोड़ रुपए फ्रीज करवा दिया गया था, लेकिन बाकी पैसा रिकवर करने बाकी है। पैसा बाहर कैसे भेजा जा रहा था, उसकी जांच भी की जाएगी। आरोपियों से कई मोबाइल और बैंक खाते भी मिले हैं। मोबाइलों से और जानकारी हासिल की जा रही है। 1 आरोपी इंडिया से बाहर है, उसकी जांच भी की जा रही है। सभी पहलुओं में जांच की जा रही है। 3 जुलाई को FIR दर्ज हुई थी। जांच में कई और खुलासे होने की उम्मीद है।